कि ये जो नंबर वन वाली सीट है ये किसके पास है, क्या लगता है, पवन सिंह या खेसारी लाल यादव? पता नहीं, दोनों में से कोई भी हो सकते हैं, लेकिन उम्मीद तो इन दोनों से ही लगा सकते हैं, क्योंकि 21 मिलियन को तोड़ना किसी छोटे सिंगर का काम तो नहीं हो सकता, तो मुझे लगता लेट्स सी नेक्स्ट, लेट्स सी कौन है, खेसारी लाल यादव या पवन सिंह। आज हम देखने वाले हैं भोजपुरी के सबसे ज्यादा व्यू किस गाने पे है लास्ट मंथ में। तो भैया 6 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर तक ये लिस्ट है, देखते हैं कि इस बीच अपलोड हुए गाने, याद रखिएगा ये लिस्ट किस बारे में, इस बीच हो सकता है वो 30 सितंबर को अपलोड हुआ हो या 6 अक्टूबर को भी अपलोड हो सकता है। तो 6 सितंबर से 6 अक्टूबर के बीच में जो भी गाने अपलोड हुए हैं उनमें सबसे ज्यादा व्यू किसके हैं, ये टॉप 10 की लिस्ट है, तो देखते हैं कौन है नंबर 10 पे। तो नंबर 10 पे है भाई पागल नहीं की हो, ये सॉन्ग है समर सिंह का और चाहत सिंह का, समर सिंह एंड चाहत सिंह का गाना भैया। तो 4.6 अच्छे हैं, एक महीने के हिसाब से तो व्यूज काफी अच्छे हैं, और अच्छे हैं। समर सिंह ने जिस तरह से कमबैक किया है आफ्टर जब भी वो जेल से आए, उसके बाद से जो उन्होंने कमबैक किया है, काफी अच्छे गाने लगातार लाए जा रहे हैं, वो बात अलग है हमने नहीं देखे, लेकिन हाँ कमबैक अच्छा किया है, गाने लगातार लाए जा रहे हैं और इनके पास गानों की बाहर है, तो ऐसे रिकॉर्ड पे गाना आया था। चलिए देखते हैं अब अगला गाने के 9वें नंबर पे कौन सा गाना है। तो 9वें नंबर पे जो गाना है उस गाने का नाम है धीरे धीरे नाच तू, नील कमल सिंह एंड महिमा गुप्ता का है, 4.9 मिलियन व्यूज सिर्फ 13 दिन में। 13 दिन के अंदर भाई मानना पड़ेगा, ये कुछ रोबोट वाला कॉन्सेप्ट था क्या इसमें? ऐसा कुछ लग रहा है, हो सकता है, हमने गाना देखा नहीं है तो इसलिए हम ज्यादा बोलेंगे नहीं इस गाने के बारे में, लेकिन हाँ भाई नील कमल सिंह के गाने हमने आज तक जितने भी गाने सुने वो सारे मीनिंगफुल रहे हैं, और क्वालिटी वाइज प्रोडक्शन वैल्यू अच्छी होती है इनकी। इनको यार ऑब्वियसली इनको प्रोडक्शन हाउस भी कैसे मिलते हैं, टी सीरीज, हम भोजपुरी, इनके प्रोडक्शन हाउस भी बड़े बड़े रहते हैं, और ये शायद छोटे प्रोडक्शन बहुत कम काम करते हैं। ये बात तो इनको मिस की है मैंने, ऑब्वियसली इनको मिलते ही बड़े काम लोग पसंद भी करते हैं, 100-100 मिलियन के कितने गाने इनके यार। चलिए अगला गाना देख लेते किसका है, बास कर देवो बेटा आशीष यादव। भाई ये आशीष यादव का नाम बहुत सुना है, बट पता नहीं यार हमारा पता नहीं क्या, ज्यादा रिक्वेस्ट नहीं आती रिएक्शन देने के लिए, 5.2 मिलियन दो चार लोग रिक्वेस्ट करते हैं बस रिएक्शन करने के, लेकिन हाँ ये कहीं ना कहीं लिस्ट में आ ही जाते हैं, टॉप 10 की जब भी हम लिस्ट आते हैं ये बंदा आ ही जाता है कहीं ना कहीं से, इस बार भी ये बंदा आ ही गया। आशीष खेसारी अभी तक नहीं आया भाई, पवन सिंह एंड खेसारी लाल यादव दोनों नहीं दिख रहे हैं। चलिए अगला और देख लेते कौन सा अगला गाना, तो ये है अगला गाना जिसका नाम है खाए के मन करे अचरवा। अरे बाप रे भाई, वो 6.6 थंबनेल में क्या दिखा रहे, देख जरा वो प्रेगनेंसी वाला मामला है, तो ये भाई वही वाला है ये, और भाई ये भी आशीष यादव भी है, 6.6 मिलियन व्यूज, सभी बंदों के दो गाने, ये देखने वाली बात है। तो बैक इस लिस्ट में बैक पिछले महीने एक ही महीने के अंदर इसके दो गाने टॉप 10 में, ये बहुत बड़ी बात है, बंदा मतलब कहीं ना कहीं इस गाने इस बंदे के गाने वायरल होते हैं, वो गाने कैसे भी हैं वो अब हमें नहीं पता, लेकिन हाँ वायरल जरूर हो रहे हैं, तो बंदा वायरल चीज बना रहा है, इट्स न्यू सेंसेशन, न्यू ट्रेंडिंग स्टार कह सकते हैं, ट्रेंडिंग स्टार जूनियर कह सकते हैं, वैसे तो खेसारी लाल यादव ही एक ट्रेंडिंग स्टार। चलिए अगला गाना देखते हैं, Oh my God, नील कमल सिंह इज बैक, कमल सिंह ऑफिशियल इनके खुद के चैनल पे आया था 6.8 मिलियन के साथ एक और गाना, भैया दो गाने हो गए नील कमल सिंह के टॉप 10 में, दो आशीष यादव के और दो नील कमल सिंह के, ये बात तो है ना, नील कमल सिंह इज मतलब हमको पर्सनली बहुत पसंद है, वो उनकी गायकी का जो अंदाज है ना कुछ मस्करा सा, और यहाँ तक कि हमको सैड सॉन्ग भी सुना था उसमें भी हमें मजा आ गया था, तो दोनों ही तरह के गाने ऊपर। अभी तक हम 5 गाने देख चुके, एक भी खेसारी लाल और पवन सिंह का नहीं है, मेरे ख्याल से अब आने वाले 5 गाने पूरे उनके ही होने वाले हैं, लेट्स सी। नहीं भाई ये तो चांद जी मनी मिराज इन चांद जी का तो भाई अलग ही भाई, ये तो चल रहा है, ये बंदा जो गाने लाता है ना यार ये बहुत कमाल के गाने लाता है, और खास करके इनकी जो जोड़ी है चांद जी के साथ में वो लाजवाब है, चांद जी की जो आवाज है ना, जो दर्द है उनकी आवाज है में, वो जिस तरह से लाउडली एक सेट सॉन्ग को लाउडली गाना जो बोलते हैं ना, वो ये बंदा गाता है लाउडली, जैसे कि हमारे यहाँ बीप राग नहीं हुए, वो सेट सॉन्ग को भी बंदा लाउडली गाता है, चिल्ला चिल्ला के गाता है, ये सेम चांद जी के साथ है, वो सेट सॉन्ग को लाउडली गा लेते हैं, जैसे खड़ा करते रोंगटे खड़े कर देते, रोंगटे खड़े वो वाला सीट है, क्या बोल रहे, रोंगटे खड़े कर देते, गलत ना जाना वो वाली बातें नहीं करते। चलो देखते हैं, शिल्पी राज। तो भैया ये जो गाना आया था लगभग 4 वीक पहले आया था, यानी कि स्टार्टिंग ऑफ द सितंबर ये गाना आया था, लेकिन हाँ पिछले एक महीने के अंदर इसमें लगभग 10 मिलियन व्यूज हो चुके इंडिविजुअली इसी वीडियो पर, इसी चैनल पर। पोस्टर भी बहुत अच्छा बना है, वैसे दोनों एक्टर हाईलाइट हो रहे हैं, खुशी यादव भी, खेसारी लाल यादव भी, तो ये तो हाँ ये बात तो मानना पड़ेगी कि इसमें ये चीज़ तो दिख रही है। यादव यादव का हो गया गाना। चलिए देखते हैं अगला गाना किसका है। ये लो भैया
हमारे अंकुश राजा ने भी एंट्री मार ली सीधे 13 मिलियन पर। यही हम सोच रहे हैं, 4K में गाना डाला भाई। हाँ, ये टी सीरीज वालों पे, हमारे भोजपुरी पे आया था गाना, और ऑब्वियसली क्वालिटी हमने देखी, इस पर रिएक्शन भी किया है हमने। आप लोगों ने नहीं देखा तो आप देख सकते हो, बहुत ही जबरदस्त ये गाना था यार। और जिस तरह की स्टोरी लाइनअप थी, वो जेल से छूटने वाला सीन एंड बहुत अच्छा था, मजा आ गया था। आप लोगों ने नहीं देखा रिएक्शन, रिएक्शन जो है ना जरूर देखना, कमाल का रिएक्शन था उसमें हमारा। हमने भी देखा था, रिएक्शन बहुत पसंद आया था हमें हमारा ही। लेट्स सी नेक्स्ट, अगला कौन है भैया? एक और माहौल बदलेवा, गोलू गोल्ड न्यू एंट्री इन टॉप 10 लिस्ट काफी दिनों बाद। 21 मिलियन व्यूज, बहुत बड़ा डिफरेंस है ना, 13 से डायरेक्ट 21, बड़ा जंप है, बड़ा जंप है भाई। पिछले महीने का टॉप सॉन्ग रहा है ये, और 21 मिलियन रहे इस पर व्यू, गोलू गोल्ड का सॉन्ग था। अब यार देखते हैं कि ये जो नंबर वन वाली सीट है ये किसके पास है, क्या लगता है, पवन सिंह या खेसारी लाल यादव? पता नहीं, दोनों में से कोई भी हो सकते हैं, लेकिन उम्मीद तो इन दोनों से ही लगा सकते हैं, क्योंकि 21 मिलियन को तोड़ना किसी छोटे सिंगर का काम तो नहीं हो सकता। मुझे लगता है सी नेक्स्ट, लेट्स सी कौन है, खेसारी लाल यादव या पवन सिंह, या वी गो। ओह माय गॉड, कचरा मोहब्बत वाला 29 मिलियन, 29 मिलियन के साथ में कचरा मोहब्बत वाला है नंबर वन पे, स्टार अपना पावर दिखाते हुए भाई। 29 मिलियन है, लेकिन ये सारे का हम भोजपुरी का गाना था, और ये ऊपर क्या है, अरे ये नंबर, अच्छा इसमें टीजर है, टीजर का, अच्छा टीजर का एड है, ओके ओके इसको हटाओ भी, ठीक है। तो भैया कजरा मोहब्बत वाला जो गाना है पवन सिंह का, वो रहा है पिछले महीने का सुपरस्टार। लेकिन मेरी नज़र में अगर सुपरस्टार है तो वो है नील कमल सिंह, जिसके 2 गाने टॉप 10 लिस्ट में थे, और 2 गाने आशीष यादव के। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली कह सकते हैं कि एक लाया वही ऐसा लाया कि धमाल मचा दिया, 29 मिलियन, और गाना भी अच्छा था, हमने रिएक्शन भी किया, मोहब्बत वाला पे हमने रिएक्शन भी किया है, और इसके वो वाले वर्जन पे भी रिएक्शन किया, जो इसका रिमिक्स वर्जन पुराने और नए से मिला के, सहानी बीट्स जो गाना बनाते ना उस पर भी हमने रिएक्शन दिया, वो भी बहुत कमाल का गाना था। एंड डेफिनेटली इस तरह के गाने जो ओल्ड वर्जन होते हैं उसको न्यू में जब बनाते हैं तो कमाल ही मजा आता है, मजा आता देखने में, वही चीजें हुई है, और हमें बहुत मजा आया ये लिस्ट को रिएक्ट करने में। आप लोग बताइए ये लिस्ट देख के आपको क्या लगता है, ये जो महीना है यानी कि अक्टूबर, ये किसका होने वाला है? हर महीने हम ये लिस्ट बनाते हैं गाइस, पिछले कुछ महीनों से हम बनाना भूल गए थे, तो हमारे सब्सक्राइबर बार बार बोल रहे थे कि आप लिस्ट क्यों नहीं बना रहे हो, तो लो बना दी लिस्ट, छूट गया तो कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन 6 अक्टूबर से 6 सितंबर के बीच में ही वो गाना अपलोड हुआ होगा, तो ठीक है। कैसा लगा वीडियो आज का कमेंट करके बताओ, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन मेक लव नॉट वॉर।